जैसे नक्सली भगा दिए मेरे छोटा भाई को मारने के बाद, जैसे हमको तो खा बना के खाने के लिए बर्तन भी पकड़ में नहीं आया, तो हम क्या करते, मजबूरी में ऐसे आए थाना में रिपोर्ट किए। रिपोर्ट करने के बाद सरकार तरफ से हमको 30,000 रुपए मिली थी। 30,000 मिला तो हम लोग को छोटा सा घर कुड़िया बना के रहते हैं। पिछले कहानी में कहा था कि आपके बीच बस्तर से कहानी लेकर आऊंगी, इसी कड़ी में मैं तीसरा कहानी लेकर आई हूँ। छत्तीसगढ़ बस्तर के इलाका अशांत इलाका है जहाँ मैं लगातार काम कर रही हूँ। वहाँ गांव के आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ा है। विस्थापित होने के बाद उनके जीवन शैली पर क्या असर हुआ है, आइए हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। से मैं करीबन 2001 से आंवला तरफ था, तो आना जाना गांव में करता था, तो इसलिए मुझे पुलिस मुखबिर का संदेह लगाए और मेरे दोस्त को, एक वो भी आमाबेड़ा में था, आमाबेड़ा में रहते हुए उसको भी पुलिस मुखबिर का कह रहे, उसको पकड़ कर ले गए और जो जंगल में उसको हाथ पैर को बांध दे और बांध के उनको जन अदालत में लगा कर, जिसके बाद मैं बाद में मेरे को आमाबेड़ा में पीआई साहब ने बोला, क्योंकि आपको कितने दिन सुरक्षा करेंगे करके बोले, तो उसके बाद आप यहाँ से चले जाओ कहीं अच्छे जगह सुरक्षित जगह करके बोले, तो उसके बाद सीधा मैं अंतगढ़ आ गया, अंतगढ़ था, उसके बाद अंतगढ़ से सीधा नारायणपुर आके एक झोपड़ी बना के निवास कर रहा हूँ। जॉब के लिए की थी तो बोले कि शासन की ओर से बंद हो गया है। बोले मैं गई एडिशनल एसपी वहाँ ऑफिस में मिली तो बोले कि शासन की ओर से नक्सली पीड़ित जो मिलता है लालच में आके लोग बाग इसलिए बंद कर दिए। आपके कितने बच्चे हैं? एक गुड़िया है मेरी 6 साल की, और खेती बाड़ी है आपका? कुछ भी नहीं है यहाँ पर, अभी घर कैसे चला रहे हैं आप? रोजी रोजी करके कहीं काम वाम जूठा बर्तन ऐसी घर काम से घर थोड़ा बहुत चल रहा है, उसी से बच्चे को लेके चली जाती हूँ। यहाँ तो बहुत जीवन यापन करने के लिए परेशानी है हमको, कुछ खाने के लिए समोसे इधर उधर भटक कर के, कभी रोजी मिलता है कभी रोजी नहीं मिलता है, इधर उधर भटक कर हम लोग यहाँ जीवन यापन करते हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि बस्तर में रोजगार शिक्षा व्यवस्था किया जाए जिससे हमारे आदिवासियों का हक अधिकार मिले और सुख शांति से रह सके। मैं भानसाहू, छत्तीसगढ़ बालोद जिला से।